हाय गाइड्स, सबका ऑटो लिंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। गाइड्स, अब जो है टाइम नहीं मिलने और देखेंगे तो आप, मैं यहाँ पे हाईवे पे खड़ा रह करके वीडियो बना रहा हूँ और यकीन नहीं मानेंगे, खबर ऐसी है, बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ने बताया था स्क्रीन के बारे में, गेटी गैलेक्सी सिनेमा का मंदिर में जो स्क्रीन है, गाइड्स खेल खेल के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। जैसे हमें लग रहा था कि जो कुछ बातें ऐसी चल रही है कि शो नहीं दिख रहा है, शो नहीं बता रहा है, जैसे लग रहा था कि खेल खेल में उसे भी एक दो शो गेटी या गैलेक्सी में मिलेगा, लेकिन हमारे अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और फैन लोग जो है जो आते हैं मौज में जो है एकदम खुशी से ढोल ताशे बजा के इंजॉयमेंट करते हैं और ये करते हैं कि मूवी अक्षय कुमार की लग रही है। जो प्यार गेटी गैलेक्सी में अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार को मिलता था, अब जो है क्या हो गया। तो गाइड्स चलिए हम लोग बात करते हैं, तीन मूवी बॉलीवुड की आने वाली हर तीनों किस किस में लगी है। गाइड्स आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले जो है खेल खेल में हम लोग उसी का बात करेंगे, क्योंकि हमारे अक्षय कुमार के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो गाइड सबसे पहले मैं बताऊंगा, खेल खेल में ले जाके टॉप में डाला गया है, जेमिनी में 500 है। गाइड 12:15 बजे से ये मूवी चालू हो जाएगी, जो कि ये मूवी जो है 500 में चलेगी। तो गाइड जेमिनी में 350-400 के आसपास में सीट है इसके। और फिर मैं जाता हूँ गेटी में। गेटी में गाइड्स ये मूवी जो है स्त्री 2 जो है बहुत तेज़ी से इसके कलेक्शन हो रहे हैं। ये हर एक घंटे में 5,000-6,000 टिकट बिक रहे हैं। इसके वजह से इसके जो है शो भी बढ़ा दिए। और जो है आप यकीन नहीं मानेंगे, और एक धमाका हुआ है कि ये गुरुवार को तो लगेगी 15 अगस्त को, लेकिन एक और जो है मतलब दिनेश विजन ने जो है सबको चौंका देने वाली ऐसी घटना कर दी है कि स्त्री 2 जो है बुधवार को रात को 9:30 बजे गेटी में पहला शो होने वाला है। गाइड्स सब जगह था, मैंने इंक्वायरी किया, लेकिन अब जो है एक दिन पहले ही रात से ही इसके शो चालू हो जाएंगे। और 9:30 बजे पहला शो गेटी में बुधवार के दिन होने वाला है, मतलब 14 तारीख को होने वाला है। फिर उसके बाद जो है गुरुवार को जो है इसके 4 शो होने वाले हैं गेटी में। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, और इसके जो है 4 शो जो है गोसिप में भी डाला गया है। 1 बजे का शो, 4 बजे का शो, 7 बजे का शो, 10 बजे का शो, मतलब टोटल शो जो है 400 ये हो गए, 4-4 800 हो गए, और एक 900 मतलब गेटी में ये मूवी चलने वाली, मतलब इतनी तेज़ी से इसके जो है ये चालू है, मतलब बुकिंग चालू है। अब वेदा का जो है वेदा को भी इसे दिया गया है, गैलेक्सी में दिया है, 12:15 बजे का शो, 3:15 का शो, 6:15 का शो, 9:15 का शो, मतलब 400 इसे भी दिया गया है, मतलब ये सब है। लेकिन और एक जो है साउथ की जो मूवी है डबल स्मार्ट करके जो है, जिसमें संजय दत्त है और शंकर है, उसे जो है ग्लैमर जेम में डाला गया है। और जेम में जो है मतलब 400 में डाला गया है, और उसे भी जो है मतलब 400-500 में डाला गया है। तो गाइस उसे छोटी छोटी स्क्रीन मिली है। तो गाइस यही सब है कि बॉलीवुड की तीन बड़ी बड़ी मूवी, लेकिन इसमें जो है अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार के लिए जगह नहीं है डायरेक्ट जेमिनी में। हम लोग कैसे लाइन का जो है रिव्यू करेंगे, कैसे इसका पब्लिक रिव्यू करेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है बालकनी डायरेक्ट कहीं से नहीं आती, डायरेक्ट या तो गैलेक्सी से भी निकलती है, गेटी से भी निकलती है। तो हम लोग जो है मतलब गैलेक्सी से निकलती है तो रिव्यू मिलना मुश्किल है, लाइन भी मिलना मुश्किल है इसके, तो यही सब प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं, घमासान तो मच चुकी है, जंग छिड़ चुकी है, और जो है काम तो करना है चाहे जो भी रहे। तो 14 अगस्त से इसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है और डिक्लेयर पूरा हो चुका है गेटी गैलेक्सी में खेल खेल में अक्षय कुमार को कहाँ जगह दी गई, जगह वही जेमिनी में दी गई। तो गाइड्स ये आपको वीडियो कैसा लगा, बस मैं चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइड बस इतना ही, नज़र बनाए रखें, अब जो है काम बहुत ज़ोरों से होने वाला है। गाइड्स नींद नहीं आने वाली है, तो बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।